नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्र से एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, इसके थंबनेल से मैं बात करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं खून साफ करने वाली दवा, ठीक है। देखो, आज के टाइम में ना ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना हम लोग मतलब अनऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं, चाहे आप चावल हो, दाल लो, मीट मसाला कुछ भी लो, सब में इनऑर्गेनिक मतलब कि फर्टिलाइज़र और हवा में प्रदूषण, केमिकल, सल्फर जैसी चीज़ें, लेड जैसी चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीज़ें हम लोग अपने सांस से खाने के फूड ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय है, जिस चीज़ को हम रोक भी नहीं सकते हैं, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। तो उसको रोकने का उपाय यही, अगर कोई चीज़ गंदा हो जा रहा है तो बस सिंपल से उसको साफ़ कर दिया जाए, ठीक है। जैसे आप कपड़े पहनो, गंदा होना ही होना है तो उसको आप साफ़ कर दो, तो बॉडी को भी साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड को साफ़ करने वाली कौन सी दवा। देखिए, आज की जो दवा है ब्लड साफ़ करने के लिए, इसका सिम्टम क्या है, ये ना किडनी के फंक्शन को तेज़ करता है। ब्लड साफ़ किससे होती है, किडनी से और लीवर से, सबसे ज़्यादा किडनी से होता है। ये किडनी के फंक्शन को तेज़ कर देता है, जिससे क्या है, जब ब्लड में जो प्योरिफिकेशन जो करने की प्रोसेस है वो तेज़ हो जाती है। और उस दवा का नाम है सरसाप्रेला मदर टिंचर में। इसको लेना कैसे है, 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम, ठीक है, हल्के से पानी में डाल के आधा कप गुनगुना पानी में इसको लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ब्लड इन्फेक्शन से आपको अगर इसे किसी तरह का चम रोग है, अगर मान लो आपको डिजीज़ नहीं है तो भी इस दवा को आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिजीज़ तो तब उभरते हैं जब जैसे कपड़े में बदबू का वजह, बहुत ज़्यादा मैला हो जाएगा तो बदबू आ जाएगा। इसका सिम्टम क्या है, ये किडनी फंक्शन को तेज करता है। अगर चमड़े पे झुर्रियाँ हैं, कालापन आ गया है, और जैसे स्टोन जैसी चीज़ें हैं, और जो है पेशाब के रास्ते धात जाने की समस्या है, पेशाब में जलन है, ठीक है, और अगर आपको नीले नीले दाग आ रहे हैं, बराबर आपको चम रोग होती है, पट्टे में खुजली उजली वगैरह हो जाती है आपको, ठीक, मानसिक आपको कमज़ोर, जैसे डिप्रेस फील करते हो, थकान में रहती है अंदर से जो है आपको ना, मतलब वो फुर्ती नहीं रहती है अगर ब्लड अगर दूषित रहेगा, ठीक है। तो इतने सारे अगर सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको नहीं भी सिम्टम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक महीने कम से कम इसको खा लो, ठीक है। एक महीने खा लेने से क्या होता है, एक से दो महीने खा लो, तो इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड में का जो है ना बहुत अच्छे से प्योरीफाई हो जाएगा, और आपका प्रॉब्लम जो है, ऐसे भी अंदर से आप कोई चीज़ साफ रहेगी तो इसमें दिक्कत क्या है, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये एक तरह का मतलब कि सुपर मेडिसिन में आता है होम्योपैथी से, ये मदर टिंचर प्लांट किंगडम से बनता है, मतलब पौधे से दवा बनती है, तो इसको हर्बल आप कह सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी स्वस्थ और मस्त रह सकें। किस तरह का मेडिसिन अपॉइंटमेंट लेना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेडिसिन या अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। बाय बाय।